में अपने मजहब के मुताबिक इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो पर्दे में जा रही थी और जिस तरह से सैकड़ों लड़कों ने गुड्डागर्दी बदतमीजी करके उसका घेराव किया, मैं समझता हूं उस लड़की की हिम्मत को मैं दाद देता हूं और उसे मैं सलूट करता हूं कि उसने जिस तरह से उनका मुकाबला किया। लेकिन मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है? क्या इस देश के अंदर अपने मजहब का पालन करना मना हो गया है? एक शराफत इज्जत के साथ कोई जिंदगी गुजार रहा है और इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहा है तो उसके साथ लगातार यह हो रहा है? मैं नहीं समझता हूं कि किसी हिंदू धर्म में यह कंपलसरी है कि वो भगवा गमछा पहनकर आए। अगर उसमें कंपलसरी कोई चीज है तो करो, कोई मना नहीं करता है। धर्म संसद हुआ इस देश के अंदर, लेकिन मुसलमानों ने उफ तक नहीं किया। उनको जो करना हो करें, लेकिन बहुत शराफत के साथ अपने मजहब पर कोई चल रहा है और उसके साथ ये होगा, मैं समझता हूं ये इस मुल्क के लिए बहुत ही बुरी चीज है। मैं भारतवर्ष के 130-140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर इस मुल्क में होगा तो ये मुल्क टूट जाएगा। इस मुल्क में भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम एकता, एक दूसरे के साथ रहना, ये हमें सिखाया गया गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन ये जो हो रहा है ये पानी सर से ऊंचा जा रहा है। अमेरिका में जिस तरह से एक बच्ची जो बुरका नशीन थी उसके मौत की शक्ल में पीछे भागते हुए अलग अलग तरह के नारे लगा के उसको परेशान किया, ये एक शर्मनाक बात है। और पूरा देश मेरे ख्याल से आज देख रहा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। उस लड़की की हिम्मत को सलाम, उस लड़की ने आज हम सबकी हिम्मत बढ़ा दी। उस लड़की के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। वो आज सिंबल है हमारे दर्द का कि देश में इस तरह से, हिंदुस्तान में जहाँ हर किसी को अधिकार है अपने रिलीजन की प्रैक्टिस का, वहाँ पे लोग कानून तोड़ के एक अकेली लड़की के पीछे इस तरह से दौड़ रहे, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। और इसके लिए आज मदनपुरे में, भिवंडी में हमारी माँ बहने, हमारे घरों से निकल के पर्दा नशीन माँ बहने, बुरखे में हमारी बहने, ये सब लोगों ने आकर एक कामयाब सिग्नेचर कैंपेन किया, अपना एहतजाज रजिस्टर किया ताकि हम गवर्नर के पास जा सके। मैं अपनी माँ बहनों का, अपने पूरे इलाके का, मदनपुरा, नागपाड़ा, कालापानी, पूरे इलाके का, पूरे भिवंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से हमको उस लड़की के साथ खड़ा रहना है जो आज वो सिंबल बन गई है हमारे प्रोटेस्ट का। उसकी हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है।